डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। सो हेरिडिटी का बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? जीन। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जीन्स इंस्ट्रक्शन के तौर पर एक्ट करती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, जिन्हें प्रोटीन कहते हैं। जीन्स अकर्स इन पेयर। जीन्स हमेशा पेयर के फॉर्म में पाई जाती हैं। एवरी हेरिडिटी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म, और एक ऑर्गेनिज्म में तमाम हेरिडिटी करैक्टर जैसे कि टालनेस, ड्रॉफनेस, आई कलर, फ्री ईयर लोब एंड अटैच्ड ईयर लोब, ये तमाम करैक्टर कंट्रोल होते हैं बाय पेयर ऑफ जीन्स। जीन के पेयर्स इन तमाम करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर, जीन पेयर का एक मेंबर कम्स फ्रॉम द मेल पेरेंट, डेट इज फादर। जीन जो कि पेयर की फॉर्म में होती है, इस पेयर का एक मेंबर मेल पेरेंट से आता है जो कि फादर है, वाइल द अदर कम्स फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, डेट इज मदर। और जो दूसरा पेयर है वो फीमेल पेरेंट से आता है जो कि कौन है? मदर। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली, जिनमें फिजिकली जीन्स कहाँ होती हैं? जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए। जीन्स एक्चुअल में डीएनए के सेक्शंस होते हैं। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो जीन डीएनए मॉलिक्यूल के सेक्शंस हैं एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और ये डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स के ऊपर। सो जीन्स डीएनए के सेक्शंस होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए, जैसे कि डीएनए के डिफरेंट सेक्शंस जो कि जीन्स हैं, आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन के सेट्स होते हैं फॉर डिवेलपमेंट ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट करेक्टर को डिवेलप करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए पर के किस सेक्शन में होती है? जीन्स में। और जीन डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के ऊपर। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटीरियल, इसलिए डीएनए को हेरिडिटी मटीरियल भी कहते हैं, विरासती मादा, क्योंकि इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवेलप करने के लिए, उसके करैक्टर के लिए चाहिए होती है। डीएनए एंड प्रोटीन आर कंपोनेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। डीएनए और प्रोटीन किसके कंपोनेंट है? क्रोमोसोम्स के। सो क्रोमोसोम्स किस किस चीज पर मुश्तमिल होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है? डीएनए से और प्रोटीन से। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। दे अपीयर्स एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन के दौरान एक नुमाया स्ट्रक्चर नजर आती है। अ टिपिकल क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स। एक टिपिकल क्रोमोसोम्स दो आर्म्स पर मुश्तमिल होता है कॉल्ड क्रोमाटिड, और इन आर्म्स को क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। विच आर अटैच्ड टू द सेम पार्ट, जो एक सेम पार्ट के साथ अटैच्ड होते हैं दोनों क्रोमाटिड, और उस सेम पार्ट को क्या कहते हैं जहां ये अटैच होते हैं? सेंट्रोमियर। ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके दो आर्म्स होते हैं, और एक आर्म को क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, ये क्या है? क्रोमाटिड्स। और ये क्रोमाटिड्स सेम पॉइंट पर अटैच होते हैं जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, डीएनए के एक सेक्शन को जीन कहते हैं। सो जीन डीएनए का पार्ट है जो कि क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल है, और क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम दो आर्म पर मुश्तमिल होता है जिन्हें क्या कहते हैं? क्रोमाटिड। क्रोमाटिड एक सेम पॉइंट पर अटैच होते हैं जिस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सो ये रिलेशन है क्रोमोसोम्स का, जीन्स का और डीएनए का।
द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज स्पेसिफिक एंड कॉन्स्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज. हर किस्म की स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर स्पेसिफिक होता है, ये चेंज नहीं होता, कॉन्स्टेंट होता है. इन जर्नल बॉडी सेल्स में जो कि सोमैटिक सेल्स हैं, द क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर. सोमैटिक सेल्स में, जर्नल बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, बट द गैमिट्स, लेकिन गैमिट्स के अंदर जो कि स्पर्म्स और एग हैं और स्पोर्स में विच आर फॉर्म्ड जो कि बनते हैं बाय मायोसिस कंटेन वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स पेयर. जी, सोमैटिक सेल के अंदर तो क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन गैमिट्स के अंदर ये पेयर की फॉर्म में नहीं होते, बल्कि पेयर का एक मेंबर होता है गैमिट्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इन मैन, जैसा कि मैन के अंदर एवरी सोमैटिक सेल हैज, तमाम सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, और पेयर्स कितने होंगे, 23 पेयर्स. बट एवरी स्पर्म और एग सेल, लेकिन तमाम स्पर्म और एग सेल्स के अंदर जो कि गैमिट्स हैं, इनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स. सो गैमिट्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेयर का सिर्फ एक मेंबर्स हैं, और सोमैटिक सेल्स के अंदर 23 पेयर्स हैं. यहाँ पेयर्स हैं और टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, और स्पर्म्स और एग के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं. नाउ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर, मैन के अंदर 46 होते हैं, मेस के अंदर 20, मंकी के अंदर 48, अनियन के अंदर 16, कैट के अंदर 30 क्रोमोसोम और पी के अंदर 14. सो मैन यानी इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, और मेज यानी मकई के अंदर 20, और मंकी के अंदर 48, और ऑनियन यानी प्याज के अंदर 16, कैट के अंदर 30, और पी यानी मटर के अंदर 14. थैंक यू सो मच. अल्लाह.